आदाब नाजरीन, तेलंगाना हुकूमत की जानिब से गरीब आवाम को खाना रोज़ तकसीम किया जा रहा है। हुसैनी आलम कोका बाज़ार में लॉकडाउन के दिन से आज तक यानी 4 महीने से गरीब आवाम को सैयद इम्तियाज़ उद्दीन अहमद उर्फ राजा गरीबों को खाना तकसीम कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सीएम केसीआर और हैदराबाद एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा किया। आइए देखते हैं आगे की तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम, मैं कोका 36 रोड से इम्तियाज़ राजा। यहाँ पर लॉकडाउन के जब से खाना बांट रहे हैं हम लोग, कई लोग यहाँ पर आकर खाना लेके जा रहे हैं और अपना पेट भर रहे हैं। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिनके तरफ से ये खाना आ रहा, जिसमें सबसे पहला नाम असदुद्दीन ओवैसी साहब का आता है, जिसके तरफ से ये तमाम जगह खाना बढ़ रहा है। और केसीआर साहब का बिलखसूस मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जो गरीबों का ख्याल करके तकरीबन लोगों के घरों में खाना भेजा रही और तकरीबन लोग यहाँ पर आकर खाना खा रहे हैं। ये कितने दिन से चल रहा भाई? ये लॉकडाउन से चल रहा, 4 महीने से आगे पीछे करीब करीब हो गया 4 महीने। कितने आदमी का खाना आ रहा था यहाँ पर? कम से कम मैं यहाँ पर 400-500 आदमी का खाना बांटता हूँ, सुबह में शाम में मिला के दो टाइम बांटता हूँ जी, सुबह में और शाम में। खाने में क्या क्या आ रहा? खाने में कई किस्म के चीज़ें आते, खाना बराबर रहता, दाल मीठा दही ऐसे कई चीज़ें अलग अलग आते, सब्जी आती, कई किस्म की सब्जी आती, दाल आती, दाल में भी तरकारियाँ मिले हुए रहते और बिल्कुल ऐसा अच्छा खाना रहता जो अपन घर में पका के खाते वो खाना रहता। ये पानी आने का इंतजाम? पानी आता, पानी भी उसके साथ ही आता और सब्जियाँ नहीं आते, प्लेट भी भिजाते वहाँ से, खाना आता, पानी आता, प्लेट्स आते, तकरीबन जाने अपना पेट भर रहे हैं। आप अकेले ये महल्ले में या और कहीं दूसरी जगह भी है? कई जगह है मगर थोड़ा दूर दूर डिस्टेंस पे है। आपके उसमें 500 आदमी खाते रोज? करीब करीब 500 आदमी खाना खाते। मैं शिवरानी का खास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्हों काफी मेहनत कर रहे हैं लॉकडाउन के जब से, आदमियों के जैसा मेहनत कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट से ये गुजारिश है, ये जितने लोग काम कर रहे हैं उनको कोऑपरेट करें, उनको जो चीज़ों की जरूरत है वो दे। कई चीज़ों की कमी हो जा रही बाद मरतबा, वो चीज़ों की कमी होने ना दे। कई के वास्ते ये लोग अपनी जान पे खेल के ये काम कर रहे हैं, तो जितने लोग काम कर रहे हैं उनको गवर्नमेंट का काम है, उनकी सपोर्ट करें। और तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग ये काम कर रहे हैं। जय तेलंगाना, जय केसीआर। ये आज जो लॉकडाउन शुरू हुआ है उस दिन से लेके आज तक करीबन 4 महीने से ये भाई लोग और ऐसे कई भाई लोग है हर एरिया में, कम अज कम नहीं बोले तो भी 25 एरिया में हमारे ओल्ड सिटी में खाना बटे जा रहा है। बहुत हज़ारों की तादाद पे पब्लिक को खाना मिल रहा है अपने गवर्नमेंट की तरफ से और ओवैसी साहब के तरफ से, अपने केसीआर साहब के तरफ से, जो काम अपने पब्लिक के लिए उन लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। और हर कोई पब्लिक भी साथ देना, ज़रा मास्क का और सैनिटाइज़र ये जो कुछ भी है थोड़े बहुत चीज़ें वो इस्तेमाल करिए, ज़रा डिस्टेंस रखिए। ये बहुत कम कर रहे लोग हैं इसलिए अपने पास केसेस बढ़ रहे हैं, इसकी पब्लिक को मैं गुजारिश कर रही हूँ कि ये ज़रा ध्यान रख के आप लोग, ये ज़रा डिस्टेंस रख के, ये थोड़े चीज़ों को इस्तेमाल करके अपनी सेहत को बचा के रखिए और अपने आजू बाजू लोगों के लिए भी ज़रा सोच के ज़रा अच्छा रहिए आप लोग। जय केसीआर। अम्मा ये कहाँ से बन गया था अम्मा खाना? ये देखो हरे रामा हरे कृष्णा ट्रस्ट है, अन्नपूर्णा कैंटरिंग बोल के वहाँ से आता है खाना। कुछ चार्ज लगा देगा ऐसा खाने का? नहीं, चार्जेस कुछ भी नहीं है, सब फ्री है, पानी से लेके पत्तल से लेके दाल चावल दही सब्जी चटनी हर चीज से सब फ्री आ रहा है, कोई भी किसी तरह का पैसे देने की जरूरत नहीं है। हम इसी तरह से सब जने भी ऐसे बांट रहे हैं। जैसा पहले 5 रुपए में देते थे खाना, वो खत्म हो गया सिस्टम? वो खत्म हो गया सिस्टम जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, जब से वो पैसे देने का खत्म हो गया, फ्री में खाना बटे जा रहा है। अच्छा
हाँ हाँ सच है सच है, तुम्हारा सच पहुंच गया। अल्लाह का शुक्रिया, अल्लाह की मेहरबानी है। केसीआर हमको गरीब लोग लेबर को खाना खिला रहा है, केसीआर अल्लाह का शुक्रिया, और दो टाइम खिला रहा है। केसीआर जिंदाबाद, शुक्रिया अल्लाह का। अवैसी जिंदाबाद, अकबर अवैसी जिंदाबाद, केसीआर जिंदाबाद।